विनोद 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 ये वर्ड, ये कीवर्ड आपने बहुत ज़्यादा देख लिया होगा। और मैं तब शॉक हो गया जब मैंने इसको ट्विटर के नंबर 3 ट्रेंडिंग पर देखा। जी हाँ, ये परसों की बात है, मेरे मन में आया कि यार कि नंबर 3 ट्रेंडिंग पर क्यों है, आखिर ये है क्या चीज़, ऐसा क्या हो गया पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर, कि ये कीवर्ड एक ट्रेंड करने लगा। जबकि बहुत सारे अच्छे कीवर्ड्स भी होते हैं जो नंबर 3 तक नहीं पहुँच पाते हैं, बट ये कैसा कीवर्ड है जो नंबर 3 तक पहुँच गया, रैंक कर गया। और बात ये नहीं है कि सभी लोग इसके बारे में वीडियोस भी बना रहे हैं और सभी लोग इसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने चैनल पर आपको इसके बारे में वीडियो बना दूं। दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर एम के सिंह यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम यूट्यूब से रिलेटेड जानकारी आपको लेकर आते रहते हैं और ऐप का रिव्यूज़ भी करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो विनोद जो कीवर्ड है यूट्यूब से ही रिलेटेड है। आप सब जानते हैं कि यूट्यूब की जो रोस्ट इंडस्ट्री है वो किसी भी इंसान को जीरो से हीरो तक पहुँचा देती है, बिल्कुल नॉर्मल से उसको पॉपुलर कर देती है। लाइक ओम प्रकाश मिश्रा, नाम और सॉन्ग सुना होगा आंटी की घंटी वाले, जो पार्ट 1, 2 और 3 उसने बनाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पार्ट 1 को कैरी ने रोस्ट किया और उस रोस्ट के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई और उसके जो चैनल पर सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा आने लगे, जबकि उसके अंदर कुछ भी टैलेंट नहीं था। बावजूद इसके उसको रोस्ट किया गया, निगेटिव वे में लिया गया, बट व्यूज़ आने लगे। इसके अलावा आप जानते हैं ढिंचक पूजा, ढिंचक पूजा को भी आपने देखा होगा कि कुछ भी मतलब इतने खास गाने नहीं लगते हैं, आपने भी सुने होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग उसकी वीडियो ट्रेंडिंग में 2 या 3 नंबर पर, कभी कभी 1 नंबर पर भी आ जाती हैं। अब ऐसे ही एक ट्रेंड चला था जेसीबी की खुदाई का, लोग जेसीबी की खुदाई अगर सब देख रहे थे और वीडियोस बहुत पॉपुलर हो रही थी, ट्रेंडिंग तक में आ रही थी। अभी एक ट्रेंड चल गया है विनोद, आखिर ये विनोद है क्या? एक रोस्ट चैनल है स्लेप पॉइंट नाम से, स्लेप पॉइंट नाम का जो रोस्ट चैनल है वो काफ़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं, काफ़ी अच्छा रोस्ट करते हैं और उसमें मतलब गाली गलौज वाले जो कीवर्ड होते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, उसके बिना ही वो काफ़ी अच्छा रोस्ट कर देते हैं कुछ चीज़ों का। ऐसे उन्होंने अपने जो कमेंट्स हैं, कमेंट सेक्शन में आने वाले कमेंट को लेकर के बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स शामिल किए जिन पर आपको हंसी आ सके और जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब लोग कहते हैं कि फीडबैक दीजिए। वहाँ पर एक बंदा था विनोद थारू नाम का, वो कमेंट कर गया विनोद और एकदम उसको 7 लाइक आ गए। उसके बाद उसका जो ट्रेंड था वो चलने लगा और वहाँ पर उन्होंने उस कमेंट्स के बारे में बताया कि हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं, लाइक मेरा नाम है जैसे ऑलराउंडर एम के सिंह, तो मैं किसी भी कमेंट में जाऊँगा, किसी भी कमेंट बॉक्स में जाऊँगा, किसी वीडियो के वहाँ पर मैं एम के सिंह लिख करके आ जाऊँगा। ऐसे बहुत लोग होते हैं और आप सब ये जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, तो यहाँ पर उसका लिखने का मतलब नहीं होता। कमेंट्स क्यों होते हैं, या तो फीडबैक दो, या अच्छी चीज़ें बताओ या बुरी चीज़ें बताओ। यहाँ पर हमने उनसे पूछा वीडियो आपको कैसी लगी, विनोद आपका फीडबैक क्या है, विनोद मतलब हर चीज़ विनोद, उसका एक ही आंसर है, जबान पर रट गया है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, कुछ भी डालो आंसर आपको विनोद ही मिलना है। तो इसीलिए ये चीज़ पॉपुलर हो गई और यूट्यूब पर और सोशल मीडिया में इंडिया के अंदर कुछ भी पॉपुलर हो सकता है, ये आप सब जानते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये विनोद नाम का जो ट्रेंड है क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना आपको भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।